नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीसी क्लास। जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट कार्य पत्रक 68, 68, 16, 12, 2020, विषय हिंदी, समय रजखान, पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आ रही है, कक्षा 9। जैसे कि आपको पता है, पुनरावृत्ति में जो पहला हम पढ़ चुके हैं और जो दूसरा ये वर्कशीट है, तो देख लेते हैं एक बार, इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। प्रथम माह बाद में भी लेंगे 68 और ये 20, ठीक है। 20 में आप जो वर्कशीट 20 थी, अगर आपको और डिटेल्स पढ़नी है आप 20 देख लीजिएगा। मैंने उसमें कैसे आपको एक्सप्लेनेशन की है इस 20 की, फिर यहाँ पे 68 तो है ही, यहाँ पे भी कर देंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे कैसे पढ़ाया था। यहाँ पे इन्होंने बस दूसरा दिया है, फोटो दूसरी चिपका रखी है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से दे रखा है। और यहाँ पे इन्होंने शब्दार्थ कुछ दिए हुए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने शब्दार्थ एक भी नहीं दिए गए, और व्याख्या तो लगभग सेम ही है, ठीक है। और प्रश्न उत्तर के देखें तो यहाँ पे भी प्रश्न उत्तर कुछ दिमाग लगा दिया गया है अब की बार, बहुत अच्छी चीज है। एक दो तीन चार, चार प्रश्न थे अब की बार में भी, एक दो तीन चार, चार प्रश्न है। लेकिन इसमें चीजें क्या है कि एक क्वेश्चन बस मिल रहा है आपका। प्रश्न नंबर एक देखिए, ब्रजभूमि में बसने के लिए रजखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं और क्यों, यहाँ पे ये भी आ गया था क्यों, लेकिन अब की बार में क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, बस यही लिखना है। बाकी मेरे ख्याल से और कुछ ज्यादा खास नहीं मिल रहा, तो अब की बार इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, अच्छी बात है। अब की बार बच्चों आपको तो लिखना ही पड़ेगा 20 और 68, सेम सी वर्कशीट है लेकिन इसके प्रश्न उत्तर सेम नहीं है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। परिचय, रजखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैद इब्राहिम था, जैसे कि हम पिछली बार भी पढ़ चुके थे। वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि के पास जा बसे। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछली वर्कशीट 65, अरे वाह, ये आजकल तो पिछले भी वर्कशीट की बात करने लग गए बच्चों, में हमने जाना था कि रजखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रस्तुत समय से रजखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीजें महत्वपूर्ण और प्यारी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यह लुटकी अरुका कामरिया पर राज तिजुपुर को ताजी डारो, आठो सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कब इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। कोटि कोटिक ए कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। तो जो इसका भावार्थ है, व्याख्या है, वहां पे यहाँ इस प्रकार से दे दिया गया है। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोक का राज त्यागना पड़े तो भी उनके त्यागने को तैयार हैं। जहां पर ब्रज के ग्वाले गाय चराते थे, वहां अगर उनका वास हो जाए तो वे आठ सिद्धि नौ सिद्धि के सुख को भी त्यागने को तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार है। मतलब ब्रज में इतनी इतना उनका इनसे प्यार है कि मतलब कांटों की झाड़ियों से चाहे मिले तब भी उन पर वो सोना चाहते हैं। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यावर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता जो इनका जो रसखान जी ने दिया है वो यहाँ पे समाप्त होता है। जो इसका और अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको वर्कशीट 20 मिल जाएगा, था कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 68 भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे प्रश्न उत्तर पर लिखने पर ज्यादा आतुर हो रहे हैं, उनको बस चाहिए जल्दी से फटाक से प्रश्न और उत्तर, कोई बात नहीं। तो पहले पे आते हैं, पहला है ब्रजभूमि पर बसने के लिए रजखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर ठीक है एक लाइन का उत्तर लिखा है, ब्रजभूमि के प्रति रजखान जी तीनों लोगों का राज त्यागने को भी तैयार हैं। अगर आपको और बड़ा लिखना है तो यहाँ से आठ सिद्धि नौ सिद्धि को सुख त्यागने को भी तैयार हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे तीनों लोग को राज है तो तीनों लोग में सभी वही आ जाते हैं, तो मैंने और नहीं लिखा। अगर आपको लिखना हो आठ सिद्धि आठ सिद्धि नौ सिद्धि भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर दो, प्रस्तुत समय में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचार को लिखिए। तो आपका अपने हिसाब से आपका परिवार हो सकता है, मैं भी अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार भी हमेशा मेरे दुख व सुख में साथ रहता है।
वह हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यह सब देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार इसके प्रश्न और उत्तर हो जाते हैं, इसे आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको दूसरे भी वर्कशीट में दिखा दूंगा, इस प्रकार से ये आपको लिख सकते हैं रसखान जी वाला। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से रोक के इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उस वाले में धुंधला है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अगर आपको ना समझ में आया तो कहेंगे नहीं सर जी ने आलकस का नहीं, आपकी आलकस नहीं किया है मैंने। रसखान कब इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो, तड़ाग निहारो। प्रश्न नंबर 4, इस सवैय को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन शब्दों को लिखिए, उन शब्दों के अर्थ को लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में है, इन्होंने शब्दार्थ सबके बार नहीं दिए थे लेकिन फिर भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। लटुकी कमरिया तेहू तड़ाग, ठीक है, तो सब यहाँ पे लिखते हैं किस प्रकार से लिखना है। लुटकी लटुकी, ठीक है, इसका मतलब लाठी होता है, कमरिया का मतलब कंबल, तेहू का मतलब तीनों, तागड़ मतलब तालाब, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत का मतलब सोना चांदी, कुंजन का मतलब कुंजो, करील का मतलब कांटेदार झाड़ी। तो बहुत ही सिंपल वर्कशीट थी। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।